Yasyave Shriya Malayam Krishna Paramapurushe Bhaktir Utputtate Punsa Shokamoho Bhayapaha. यदि कोई व्यक्ति भगवान के दिव्य संदेश को नम्रता पूर्वक ध्यान पूर्वक सुने तो सुनने मात्र उसके मन में भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति का भाव फीलिंग्स ऑफ लविंग डिवोशनल सर्विस का विकास हो सकता है, देह भक्ति उत्पन्न हो सकती है। और वो भक्ति क्या करती है, तीन कार्य करेगी, शोक मोह भापहा। शोक, व्यक्ति जब कोई कार्य क्रिया करता है, कोई चीज़ खोता है, कुछ नुकसान होता है उसको, कुछ हानि होती है, कुछ क्षति होती है, उसको शोक होता है, दुख होता है, पछतावा होता है, ऐसा मैंने क्यों किया, या भय रहता है। भौतिक जगत में लोगों को हर चीज़ का भय, आजकल चिड़िया को भी देखेंगे आप, वो दाना जब खाती है तो भयभीत रहती है चारों तरफ। वृंदावन में भी हम देखते हैं बंदर जब कुछ चीज़ खाते हैं तो चारों तरफ देखते रहते हैं कहीं दूसरा बंदर आके झपट ना ले। और इस भौतिक जगत में फेयर फैक्टर है बिल्कुल कॉमन होता है, आध्यात्मिक जगत में फेयर नहीं है, भय नहीं है। और फिर शोक मोह भयापहा, मोह रहता है, आदमी मोहित रहता है, इल्यूजन में रहता है। बहुत से जीवन हमारी ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि व्यक्ति मोहित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो सारे शोक मोह और भय है, इनसे मुक्ति हम सबको मिल सकती है यदि एक काम करें। क्या करें, भगवान के दिव्य वाणी को, भगवान के संदेश को ग्रहण करें। ग्रहण करने का अर्थ है सुने, सुनकर उसके जीवन में उतारें, उतारने के बाद उसका चिंतन करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो ये क्रिया करने से क्या होगा, या शोक जो दुख है, जो कष्ट है, उस समय बहुत हद तक राहत मिलेगी। देखिए ऐसा नहीं कि भक्त के जीवन में दुख नहीं आते हैं या कष्ट नहीं आते हैं, भक्त के जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, बल्कि कभी कभी तो भगवान ज्यादा कष्ट देते हैं। जिनको ज्यादा प्रेम करते हैं उनको ज्यादा परीक्षा देनी पड़ती है, ज्यादा दुख, सो कॉल्ड दुख और कष्ट से गुजरना पड़ता है। तो भक्ति क्या करती है, देखिए कष्ट दोनों को आएंगे, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा उसको भी कष्ट आएगा और जो भगवान की भक्ति कर रहा उसको भी कष्ट आएगा। तो कोई कह सकता है मैं भगवान की भक्ति क्यों करूं, मेरे को भगवान के नाम का जाप करूं, मेरे को भगवान के संदेश को सुनूं, मेरे को भगवद्गीता सुनूं, मेरे को श्रीमद् भागवतम सुनूं। अंतर है दोनों में। पहले व्यक्ति को जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा उसे जरा सा भी दुख आ गया, छोटा सा दुख भी उसको पहाड़ के समान लगता है। बिजली का बटन दबा, लाइट नहीं जली, ग्रेट एंजाइटी होती है लोगों को आजकल। थोड़ी देर की मोबाइल का नेटवर्क चले जाता है तो लोग भयभीत हो जाते हैं, विचलित, चिंता, विषादग्रस्त हो जाते हैं। थोड़ी सी देर इंटरनेट अगर चले जाए तो इसे तो एकदम मतलब जैसे उनके मानव के शरीर से प्राण निकल गए, उतनी चिंता हो जाती है। तो दुख कष्ट को, अभक्त को जब कष्ट आएंगे तो छोटी समस्या उसको बड़ी विशाल दिखाई देगी, पहाड़ के समान देगी। लेकिन जो भगवान की भक्ति कर रहा है, भक्ति करता है, तो भक्ति क्या करती है, जरूरी नहीं कि दुख को खत्म करे, वो भी करती है, लेकिन आवश्यक भी नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं करे। लेकिन वो शक्ति इतनी देती है भगवान की भक्ति की, बड़े बड़े दुख, बड़े बड़े कष्ट, पहाड़ जैसे दुख, पहाड़ जैसे कष्ट, बिल्कुल राई के दाने के बराबर छोटे 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 दिखाई देते हैं। तो महान कष्ट, बड़े बड़े विकट परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां, चिंता, विषाद, सब एकदम भक्ति के प्रभाव से बोने से हो जाते हैं। और भगवान उस व्यक्ति को इतनी शक्ति देते हैं कि वो उन दुखों को सहने की क्षमता बढ़ा लेता है भक्त। जस्ट लाइक अ वेट लिफ्टर जो होता है अपनी क्षमता कैसे बढ़ाता है, 25 उठाएगा, फिर 50 उठाएगा, 100 उठाएगा। ऐसे भगवान के भक्त के जीवन में कष्ट आता है, उसकी सहन शक्ति बढ़ती है, उसकी क्षमता बढ़ती है। एक हृदय का, एक भक्त का श्रृंगार होता है। जैसे हम फिल्म एक्ट्रेस को देखते हैं, वो मेकअप करती हैं, अपना श्रृंगार करती हैं, मॉडल्स हैं वो श्रृंगार करते हैं, सेलिब्रिटीज हैं वो श्रृंगार करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने चेहरे को सजाते हैं, शरीर को सजाते हैं। लेकिन भक्त शरीर की देखभाल करता है, श्रृंगार किससे करता है, अपना भगवान की भक्ति से, भगवान के प्रेम से। तो ये भक्ति की शक्ति है, ये जो भक्ति दुखों को खत्म नहीं करे, जरूरी नहीं है, लेकिन दुख इतना सहनशील बना देती है भक्त को, बड़े बड़े पहाड़ जैसे कष्ट भी उसको बोने से दिखाई देते हैं। और वही उसकी वो क्षमता है, वह भक्त का श्रृंगार है, उसका सौंदर्य है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।